अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लहंगे की टॉप की कटिंग। लहंगे का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे देख लेना। तो चलिए अब हम टॉप की कटिंग करते हैं। तो ये मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक है, तो इसे मैंने अरज के तरफ से इस तरह से 4 फोल्ड किया है। तो इसका लेंथ हमारा 29 इंच है और विड्थ आ रहा है 11 इंच। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये मैंने 11 इंच पे फोल्ड किया है कपड़े को, 1 इंच मार्जिन लेते हुए। और यहाँ से हम तीरा का निशान लगाएंगे, तो तीरा के निशान हम पूरे 7 इंच पे लगाएंगे, इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से मुड़े के लिए भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे और चेस्ट के लिए हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये 9.5 इंच पे लगाएंगे। और यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगा करके सबसे पहले हम यहाँ 7 इंच पे कमर का मार्क मार देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसकी फिटिंग की निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हम कंधे पे रख के नीचे यहाँ 18 इंच पे हिप का नाप आ रहा है चाक के लिए, तो उसके लिए फिर हम यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम कमर से मिलाते हुए इस तरह राउंड शेप दे देंगे। और दामन हमारा जितना कपड़ा का फोल्डिंग है उतना ही आ रहा है, तो उतने ही लगाएंगे और 1/2 इंच इसमें से हम सिलाई में घुसाएंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये हो गया हमारा। अब हम मोड़े की गोलाई का निशान लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ से 1 इंच पे इस तरह निशान लगा करके गोलाई का मार्क कर लेंगे। फिर हम यहाँ से 1 इंच पीछे की तरफ आएंगे और कंधे से इसको इस तरह तिरछा निशान लगा देंगे और फिर इसे भी हम इस तरह राउंड शेप दे करके आर्म होल का गहराई दे देंगे। तो फ्रंट वाला हमारा ज़्यादा गहरा रहता है, इसी तरह से हम मोड़ा का निशान लगाएंगे। अब हम नेक के लिए 2.5 इंच ले रहे हैं और नेक की गहराई ले रहे हैं यहाँ से 3 इंच और फ्रंट के लिए 4 इंच। तो अब हम यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच पे, और इन दोनों को हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम जो बैक वाला निशान है ना, उस पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक के निशान पे कटिंग करेंगे, तो ये हमारा दोनों पल्ला एक साथ कटेगा। यहाँ से हम काट लेंगे, मार्जिन लेते हुए मैंने कपड़े को फोल्ड किया था इसलिए दामन को काटने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे और इसको बीच से काट के अलग कर देंगे। अब हम मोड़े को भी कटिंग करेंगे। और बैक वाले नेक को भी हम काट के निकाल लेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ 1/2 इंच इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे मोड़े पे, ताकि आर्म होल पे भांज ना आए। अब हम ये काट लेंगे और इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो हमारा ये बैक का पल्ला कट हो चुका है, तो एक पल्ला को हम हटा देंगे और फिर हम फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का गले का भी हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम आर्म होल में भी फिनिशिंग दे देंगे फ्रंट के। इस तरह से काट लेंगे और इसी को रख के अब हम नेट की भी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा नेट है, तो नीचे जो बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर एरिया मैं हटा दूंगी और सिर्फ सीक्वेंस वाला एरिया से ही हम टॉप की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले 4 फोल्ड कर लेते हैं, तो इस और बॉर्डर को काट के निकाल देंगे।
तो इस तरह से देखिए मैंने चार फोल्ड किया है। नीचे की तरफ बॉर्डर लटका हुआ है जिसे मैं बाद अभी काट के निकाल दूंगी। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक को इस तरह से बैक वाले पार्ट को रखा है। सबसे पहले रख करके हम इसी नाप की कटिंग कर लेंगे और ये नीचे से बॉर्डर खुद ब खुद कट के निकल जाएगा। इक्वल इसी नाप का कटिंग करना है। इस तरह से हमने इसे काट लिया। अब हम नेट में से भी बैक वाले पार्ट को हटा के एक पल्ला हटा के दूसरे वाले पल्ले में हम फ्रंट पार्ट रख के उसके आर्म होल और गले की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को बिछा दिया और ये फ्रंट वाले पार्ट को भी इसमें रखेंगे और ये वाले पार्ट को और इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको काट के निकाल लेंगे। अब हम इस पल्ले पे मतलब ये सीधा है इसे हम उल्टा कर लेंगे। ये वाले पल्ले को हम उल्टा बिछाएंगे और उसके ऊपर हम नेट लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने उल्टा बिछाया है। उल्टा बिछाने के बाद हम नेट को भी उसके ऊपर उल्टा बिछाएंगे इस तरह से। ये उल्टा है और ये सीधा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम इस तरह बिछा के सब तरफ से सिलाई कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ नीचे में हम ओपन रखेंगे पलटने के लिए। तो हम सारे में सिलाई लगा लेंगे दोनों पल्लों में। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो बॉर्डर बचा हुआ था इससे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से चार फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स के लिए। स्लीव्स की लेंथ थोड़ी सी कम आ रही है, ये 17 इंच है और मुझे पूरे 20 इंच चाहिए। तो यहाँ मैं थोड़े से नेट जोड़ूंगी जो सीक्वेंस वाला है। यहाँ से हम मोड़ा के निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। फिर हम बैक आएंगे 3.5 इंच पे इस तरह से। अब हम बाही की निशान लगाएंगे। तो बाही के निशान के लिए मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। और फिर यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा के इन दोनों को हम मिला लेंगे और यहाँ से आर्म होल का निशान दे देंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट करेंगे और फिर यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे और फ्रंट के लिए हम आगे की थोड़े से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए गाइस ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे पलट लेंगे। दोनों पल्लों को मैंने इसी तरह सिलाई लगाया है और इन दोनों को हम इस तरह पलट लेंगे। तो ये देखिए मैंने पलट लिया है। नीचे की अस्तर में मैंने सिलाई लगा लिया था और ऊपर वाले को मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। अब हम इसके ऊपर से इस तरह से चांपा सिलाई लगाएंगे, मतलब एक एक सिलाई और लगा लेंगे। उसके बाद हम दोनों पल्लों को मिला करके इस तरह देखिए यहाँ से मैंने सब दोनों में चांपा सिलाई लगा लिया है। अब हम इस तरह से कंधे को जॉइंट करेंगे और साइड से भी जो मैंने निशान लगाया था उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मार्क करके निशान मतलब सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अब हम स्लीव्स की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए ये 5 इंच का कपड़ा मैंने लिया है और लेंथ इसकी जितनी स्लीव्स की है उतनी है, मतलब बाही की जितनी होगी ना आपकी नाप वही रखना है। तो ये बाही है, ये बाही पे हम स्लीव्स ये वाले कपड़े को जोड़ेंगे इस तरह रख करके। हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने इसे डबल फोल्ड करके लगा लिया है और अब हम इसे इस तरह मिला करके फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ।
तो ये देखिए हमारा टॉप सिलाई हो चुका है, कंधे को मैंने जॉइंट कर लिया है और नीचे की तरफ हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्लीव्स जोड़ेंगे। तो इस तरह नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे दोनों तरफ और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये सिलाई होके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ेंगे। तो ये स्लीव्स भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे इसमें इस तरह से जॉइंट करेंगे, ये ध्यान से कि फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट में ही लगे, क्योंकि सूट और बाही में दोनों में फ्रंट में एक्स्ट्रा कटिंग होता है। तो ये देखिए हमारा सिलाई होके रेडी हो चुका है। अब आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखिए हमारा ओवरलुक ये है कि लहंगा भी तैयार हो चुका है, टॉप भी तैयार हो चुका है और लहंगा का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।